अभी हमारे मौलाना ने अम्र बिल मारूफ की तरफ इशारा किया, इस हिदायत का एक मफहूम अम्र बिल मारूफ भी है, ठीक है ना। अम्र बिल मारूफ यानी क्या? अच्छाई और सही का हुक्म देना, यही बात है ना। तो हिदायत के माने आप समझिए ना, फिर मैं कभी पूछ लूंगा, और जब मैं पूछू तो सब लोग बलग आवाज से कहें, और जो नहीं बोलेगा मैं समझ जाऊंगा या तो इसने मेरी आवाज सही से सुनी नहीं या फिर बोल नहीं पा रहा। और हम जैसे छोटे साकिर, या ये कहा जाए कि अली के दर्स को सजदा करने के बाद जो मिंबर पाते हैं, तो जो अली वाले होते हैं नहीं बोल पाते हैं तो उनको बोलना हमारा फर्ज है। नारे हैदर, हम का बाबा अली, हम सबका मौला अली, आका अबू सर अली, मस्जिद में शहादत अली, तू कब्र के बाहर कुछ नहीं कर तेरे कब्र के अंदर अली। नारे हैदर, भी नारे तकबीर या नारे रिसाला या नारे हैदरी कोई लगाए तो सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि जबान के साथ दिल भी बोले और हाथ का इशारा भी हो, हाथ उठाकर। यह है इबादत। कोई ये ना समझे कि ये नारे हैदरी जो हम लगाते हैं ये रस्म है, अल्लाह अकबर, उलमाए करम मौजूद है, पूछे इनसे, ये इबादत है तभी ये हम अमल अंजाम देते हैं। तो आज हिदायत के तौर पर समझ नहीं आए, आज हिदायत के तौर पर एक बात मुझे अर्ज करनी है, और वो क्या सुनना चाहेंगे? हाँ, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो लोग माशाल्लाह पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं, दुआ है अल्लाह हर मोमिनो मोमिनात को नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत करे। उलमा बैठे हैं, पूछिए, नमाज को हर शख्स चाहता है मेरी नमाज मुकम्मल हो जाए, मेरी नमाज कबूल हो जाए, अल्लाह मेरी नमाज को कबूल कर, ठीक है ये बात है। लेकिन अल्लाह भी कहता है कबूल कर लेंगे, तेरे दरमियान आलिम है, आलिम से पूछो कि नमाज कबूल होने की जो शर्तें हैं वो क्या हैं, ठीक है। और कुरान ने इस बात की बात इस बात का ऐलान भी कर दिया, फसल जिक्र इनकुन तुम ला करूं, वो ला करें मजा आता है। ये आयत भी बराबर उलमाए कराम बयान करते हैं, फसल जिक्र इनकुन तुम ला करूं, तुम सवाल करो उन लोगों से जो जानने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो तुम नहीं जानते, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, नमाज के तकमील की बहुत शर्तें हैं, एक तो तहारत है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नमाज के बाद जो आप कहते हैं क्या, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये तीन बार कहते हैं, और उसके बाद से आप मोहम्मद आल मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? सलवात पढ़ रहे हैं तो ऐसी सलवात पढ़े कि यहां से वहां तक जबान से बोले, बलंद तरीन सलवा, जज़ाकअल्लाह। तो हम सलवा भी पढ़ते क्यों? ये भी एक तरीके से शुक्रिया है, हे मोहम्मद वाले मोहम्मद, आपने हम पर एहसान किया है, ये नमाज जो हम तक पहुंची है, अगर आप ना होते, या ये कहा जाए मेरे मौला हुसैन आप ना होते तो ये नमाज सन 61 हिजरी के बाद कहां से कहां चली गई होती, ये मस्जिद, ये इमाम बारगाह, ये रोजे, ये सजदे, ये तकबीरें, ये अजान की आवाजें आज भी बता रही हैं कि ये अल्लाह अकबर की आवाज, हुसैन ने बताया सुबह आशूर एक अजान की आवाज पूछी थी ना, हुसैन ने अकबर से ही क्यों आवाज बुलंद की थी, हुसैन ने कहा कि हमने अपने अली अकबर से सुबह आशूर अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करके कयामत तक के लोगों को हमने नमाजें दे दी,
लो पढ़ो नमाज अब, लो दरवाजा में आ। ये है फलसफा हुसैनी, ये आप समझिए। ये अजीम मकसद था मेरा, मौला हर कदम पर अपने चाहने वालों को बता रहा था कि तुम्हें हिदायत पानी है तो कैसे कैसे पानी है। लेकिन अल्लाह अकबर, नमाज के बाद हम दुरूद पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये तस्बीह पढ़ते हैं। ये भी तस्बीह आले मोहम्मद की दी हुई है। आले मोहम्मद ना होते तो ये तस्बीह हम तक ना पहुंचती। किसी मजलिस में मैं जिक्र करूंगा इस तस्बीह की हकीकत क्या, ये तस्बीह हम तक पहुंची कैसे। जो नहीं जानते हैं उन्हें बताने के लिए, और जो जानते हैं उनको एक बार और सुनाने के लिए है। ये तो हो सकता ना। तो मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, उलमा की मौजूदगी में पूछिए। तस्बीह, ये जो तस्बीह हम पढ़ते हैं, बताइए कितने कितने दाने होते हैं, बोले अगर जानते तो बोलिए। 24, 34, 33, 33। जज़ाकअल्लाह। जिसने भी ये 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, ये बात है ना। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह आपको सलामत रखे। कम से कम आपके पास ये इल्म तो है, और ये भी इल्म धरे ज़हरा से हमें मिला। और ये इस बात को हम यूं ही नहीं, अगर हमसे कोई प्रूफ मांगता है ना तो हम प्रूफ भी लेते हैं।